हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीट ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट। दोस्तों, इस सर्किट की आपको अगर इसकी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करने होंगे वो मैं बताऊंगा। और दोस्तों, नए डिजाइन पे मैं वर्क इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है वीडियो पे। जो है, मैं नए डिजाइन पे भी काम करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सर्किट है ये 200 वाट की मोनो सर्किट है। तो और इसकी जो आप इसमें इसकी जो साउंड टेस्टिंग की एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है और ये 8 इंच के स्पीकर को अच्छे से ड्राइव कर लेता है। और 8 इंच ये सर्किट 8 इंच पे काफ़ी जो है भारी पड़ता है। तो 18 इंच की स्पीकर को ड्राइव करने के लिए क्या क्या इसमें बदलाव करना होगा तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये जो सर्किट है दोस्तों, इसमें अगर आप 18 इंच की स्पीकर चलाना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम सारा कुछ जो भी लगा हुआ है उस पे ही चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको इसको इसकी बूस्ट पे, पावर पे, पीक पावर पे इसको यूज़ करना है तो आपको इसके लिए अलग से पावर सप्लाई कैपेसिटर एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। और यहाँ पे ब्रिज ठीक ठाक है, 25 एम्पीयर की ब्रिज है तो ब्रिज इसकी चल जाएगी। 10 एम्पीयर से इसका काम हो जाएगा, 10 एम्पीयर काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है आपको 4 इसमें ऐड करने होंगे। और यहाँ पे जो है आप इसको 18 इंच के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ये 4793 देख रहे हैं, ये पॉजिटिव ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा 5198, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको लगाना होगा 5198। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 6.8 ओम की, ये 1 वाट में लगानी है। और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू कम करनी होगी, यानी कि यहाँ पे आपको लगाना होगा 4.7 से 2.2 तक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 भी लगा सकते थे, 10 भी चल जाएगा 10 ओम। लेकिन आपको अगर इसको बूस्ट पे यूज़ करना है तो इसकी वैल्यू को कम करनी होगी। और ट्रांजिस्टर यहाँ पे छोटे साइज के लगे हुए हैं तो आपको यहाँ पे 5198 लगाने होंगे। उसके बाद दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, ये दोनों ही चेंज करने होंगे। यहाँ पे निगेटिव लगेगी, यानी कि 1941 लगेगी, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये जो 6.8 है इसको भी चेंज करना होगा, जो कि इसकी देख सकते हैं इन्वर्टर से निकल के जा रही है, इसके 8200 में और इसके 1940 में। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर आपको चेंज करने होंगे। इसको चेंज करके आप देखिए इसकी जो, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आपको चेंज करके इसकी पीडीएफ फिर से रीअपलोड करूँ तो ज़्यादा से मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इसकी फाइल चाहिए। और नए डिजाइन पे मैं काम करूँगा दोस्तों, क्योंकि रिस्पॉन्स आपका ठीक ठाक रहेगा चैनल पे, तो मैं नए डिजाइन पे भी काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको नए सर्किट डिजाइन भी देखने को मिलेंगे और टेस्टिंग भी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।